भाई लोग, मैं जनरली जैक बुलवर्ट लेके नहीं खेलता हूँ, तो 700 ट्रॉफी 1v1 में मेरे को चाहिए, और मेरा ट्रॉफी था 630। और आज का वीडियो में आप लोग देखोगे कैसे मैं 700 ट्रॉफी तक पहुँच चुका हूँ, एंड पूरा वीडियो अनकट है, बैक टू बैक गेम प्ले है, 1v1 में कैसे कैसे बंदा आया सब आप लोगों के सामने आज मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। भाई लोग चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आ रहा है यूनलिन लेके 13 डोजो का बूम। ओके, देखते हैं कैसे खेलते हैं। चलो मेरे पास है जैक बुलवर्ट, इतना एपिक राउंड 1। You're getting plenty of calcium. Your bones are in great danger. चलो मेरा सर सीधा कर लिया। मेरा ओपोनेंट है यूनलिन, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा क्योंकि हर कोई यूनलिन प्लेयर सेम पैटर्न से नहीं खेलता है। ओके, पीछे आ गया मेरा, मैं इसका पैटर्न फर्स्ट प्रेडिक्ट करूंगा फर्स्ट राउंड पे। ओ शिट, मतलब ये फ्लूट भी बजाता है और पीछे भी अपीयर करता है, ये देखो। और ये बैक किक, मेरा शैडो बार फुल है, राइट मोमेंट पे लेने वाला हूं मैं। ओ शिट, ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर से फ्लूट बजा के एक हेवी लगाया उसने, और मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा हेल्थ बाकी है, और इसके साथ मेरा जैक बुलवर्ट खत्म। ये होता है भाई यूनलिन प्लेयर, ये देखो मेरे को इमोट कर रहा है, कितना खुश है। ठीक है भाई, बंदा अच्छा खेला। अभी नेक्स्ट राउंड पे देखता हूँ क्या होता है। ओके फाइट, अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ये कैंसिल, ये अपर कनेक्ट। ओके, और ये लो किक, ध्यान से देखो, उसका शैडो बार अभी फुल नहीं है, अभी उसका शैडो बार फुल हुआ है, अभी ये शैडो लेने वाला है, और ओ नीचे आ गया मैं, और यस दिस इज द टाइम, पहले देखो इंग्लिन क्या कर रहा है उसके बाद अटैक कर। ओके मेरे को पता था भाई, लेकिन टाइम नहीं मिला। और ये लो किक, फिर से लो किक, बैक किक, ये अभी समझ में इसको आ रहा है, ये मैं सारे अटैक डॉच कर रहा हूँ, अभी मैं शैडो लेने वाला हूँ, ये मेरा शैडो, ये दूसरा शैडो, थोड़ा सा हेल्थ बाकी, जंप किक और खत्म। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन फॉर यूनलिन। अगर यूनलिन साथ में रहेगा तो देखो, हर यूनलिन एक पैटर्न से नहीं खेलता है, इसका पैटर्न देख के मैं अटैक कर रहा हूँ प्रेडिक्ट करके। फाइट, फाइनल राउंड, और ये ग्रैब करना अभी थोड़ा आसान होगा क्योंकि वो थोड़ा सावधानी से खेल रहा है, इसलिए देखो लोग की कनेक्ट हो रहा है। चलो ये नहीं हुआ कैंसिल, और ये अपर, ओ शिट, ठीक है कोई बात नहीं, अभी वो थोड़ा सोच के कर रहा है, और ये किक, ठीक है, और ये सामने जाके ग्रैब, ध्यान से खेलो, एग्रेसिव मत खेलो यूनलिन के अगेंस्ट में, और ये हेवी, और ये लो किक। यूनलिन एक ऐसा कैरेक्टर है ना भाई, डॉच करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और ग्रैब करके अपर, और यूनलिन खत्म। तो ये था टिप्स ऑल्सो फॉर यू गाइज, बिकॉज यूनलिन एक ऐसा कैरेक्टर है, हर एक यूनलिन का पैटर्न अलग है, कुछ अलग पैटर्न से खेलता है, वो देख के अटैक करो। कुछ यूनलिन ऐसा भी खेलता है इनविजिबल होके अटैक करता है, वो देख के खेलना। चलो नेक्स्ट आ रहा है प्लेयर बोल के फिर कोई यूनलिन लेके आ रहा है। मेरा ट्रॉफी हो गया अभी 640 अगर आज का गेम प्ले दिल से अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अभी अगर दबाना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, पूरा गेम देख लो भाई, बहुत बड़ा आज का गेम प्ले है। मेरा जैक बुलवर्ट रेडी। ओके, और ये रेंज, ये जंप, भाई ये तो कैंपर लग रहा है भाई, हाँ कैंपर है। चलो ये स्पिनिंग, और ये देखो ये इनविजिबल हो गया, ये दूसरा पैटर्न का यूनलिन है, मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा था।
ओके ओके और चलो ये ग्रैब। अगर आप जेटबुल वर्क लेके खेल रहे हो यूलिन के अगेंस्ट में ना, चलो थोड़ा सा हेल्थ बाकी, जंप। ओ ओ ओ इस टाइम में ऑफ पॉज। तो जो बोल रहा था, जेटबुल वर्क लेके अगर खेल रहे हो ना तो शैडो का मिस यूज मत करना, शैडो राइट मोमेंट पे यूज करना क्योंकि बहुत इफेक्टिव होता है यूलिन का अगेंस्ट में। और ये बैक किक और खत्म। ये मैं ना बैक किक का बटन प्रेस करके रखा था क्योंकि जब ऐसे होता है ना तब प्रेस करते रहो, जब कनेक्शन आएगा आपका अटैक फास्ट होगा। चलो राउंड टू। और नहीं नहीं ठीक है ओके, आप पर ये भी नहीं होगा ओके। बहुत स्मार्ट है, ग्रैप कर रहा है ठीक है। और ये देखो इनविजिबल, इसका पैटर्न देखो ही इनविजिबल हो जाता है। बैक किक और ये हॉप करके ग्रैब, या भी शैडो रेंज, ये शैडो में जाएगा इनविजिबल होगा मेरे को लग रहा है। ओ नहीं हुआ, फ्लूट बजाया, ओ शिट पीछे आ गया। और ये स्पिनिंग ओके, और ये रेंज, और दिस इज राउंड टू भी खत्म है भाई। तो ये था सेकेंड यूलिन प्लेयर। आज गेम के साथ आप लोगों को मैं टिप्स भी दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, जितना मेरे को आता है, मतलब मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ, जो मेरे को आता है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और नंबर थ्री, मेरा 650 ट्रॉफी हो चुका है, इसका नाम है किंग रवाना। मेरे को लग रहा है 1313 हुई था, एपिक एज्यूमा लेके आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं टीटी गेमिंग 007। अगर अच्छा लग रहा है दिल से एक लाइक भी कर देना। चलो राउंड वन ओके, शुरू हो रहा है फाइट ओके। अपर कनेक्ट और ये बेसिक कैंसिल किया। और इसके साथ जब खेल रहा था ना बहुत ग्लिच हो रहा था, नेटवर्क का इशू हो रहा था अपर ठीक है। और ये देखो कितना अटक रहा है ओके। ये जो अटक रहा है ना भाई लोग, इस टाइम पे ना मतलब अटक नहीं कर पाता हूँ भाई लोग। और उसका शैडो मोड पे है वो, और वो अटैक आसानी से कर लेगा देखो ठीक है। चलो मेरा शैडो वर्क फुल है, हाँ चलो अभी मैं अटैक कर सकता हूँ। और ये कैंसिल, ओ शिट क्या भाई, मैं लिटरली खेल नहीं पा रहा था इस टाइम पे। चलो ग्रैब अपर, उसका शैडो वर्क फुल है। और ये स्पिनिंग, और ये शैडो नहीं हुआ, ओ शिट ठीक है। और ये कनेक्ट, कॉन्टिन्यूस नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। और ये स्पिनिंग के साथ मेरे को लग रहा है खत्म होने वाला है। चलो इसके साथ ये एजुमा भी फास्ट राउंड पे खत्म हो चुका है। भाई लोग आज का गेम प्ले पूरा देखना क्योंकि मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा करके टिप्स देने का। डिफरेंट कैरेक्टर आने वाला है और फोर्टेस ऑफ द लीजियन लेके मैं खेल रहा हूँ, तो शैडो का अगेंस्ट में बहुत ही खतरनाक है वो। और राउंड टू शुरू हो रहा है, फास्ट अपर, बेसिक कैंसिल, लोअर, अपर क्रिटिकल, और ये रेंज कनेक्ट नहीं हुआ, एक हेवी कनेक्ट हो गया। ओ शिट नहीं ओके, खतरनाक है भाई एजुमा का शैडो। चलो कैंसिल, ओ शिट मेरा शैडो बार फुल है भाई। चलो ओ नहीं हो रहा है। और बहुत स्मार्ट है भाई ये, बहुत स्मार्ट है, रियली बहुत स्मार्ट है। ये देखो हम दोनों ही कैंसिल के ऊपर चल रहा था ओके। चलो ये अपर, भाई कौन सा नेटवर्क पे ये खेल रहा है मेरे को मालूम नहीं, या फिर सर्वर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी मेरे को लग रहा है शैडो में जाएगा और चला गया
ओके और ये देखो भैया पूरा कंफ्यूज्ड हो चुका है। यू फील लाइक टेलिंग योर ट्रेजिक स्टोरी। ये था सेकंड राउंड। तो भाई ऐसा था कुछ गेम प्ले। और ये देखो इतना अच्छा मैच जाने का बाद ही इसके इमोट देखो। चलो अभी मैं मेरा ट्रॉफी 660 पे पहुंच चुका है, पूरा अनकट दिखा रहा हूं आप लोगों को। सोलो लेवलिंग एक बंदा है 12 डोजो का मार्कस को लेके आता है विद द मैगमेरियन, लेकिन सिर्फ हेवी करता है, बहुत ही गंदा स्पैमर है ये। पहले भी आया था इसने। ओके ये देखो सिर्फ हेवी करेगा ये, ठीक है। चलो ये ग्रैब जब हेवी करेगा, अगर हेवी कनेक्ट नहीं होगा आसानी से ग्रैब हो जाएगा। ओके ठीक है, मेरा शैडो वार फुल है लेकिन मैं शैडो यूज नहीं कर रहा हूँ, राइट मोमेंट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। ओके चलो ये ग्रैब, मेरे को पता था वो शैडो में जाएगा। और ये मेरा बेसिक, ठीक है तू ऐसे बकचोदी करेगा तो कर ले। ओके और इस टाइम पे आसानी से जैक बुलवर का शैडो कनेक्ट हो जाता है अगर उसका हेवी कनेक्ट नहीं होगा तो, इसलिए मैं शैडो को बचा सकता था। ओके फिर से उसका शैडो बार फुल है और फोर्टिस ऑफ द लीजियन है मेरे पास। और ये देखो खत्म। तो ये था द बेनिफिट ऑफ द फोर्टिस ऑफ द लीजियन। ये दोनों चीज दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप जैक बुलवर्क लेके खेल रहे हो। राउंड टू, मेरे को पता था उसे हेवी करेगा। ओके नहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीछे नहीं। और ये ग्रैब, एक अपर हेवी, चलो फिर से ग्रैब। बंदा पूरा कंफ्यूज हो रहा है। ये था शैडो में चला गया। और ये देखो और फिर से वो शैडो में जब जाएगा ना तब फोर्टिस ऑफ द लीजियन का फायदा मैं लेने वाला हूँ। और ये हॉप करके भी ग्रैब करके आप शैडो में जा सकते हो। उस टाइम में कुछ टाइम वो न्यूट्रल रहता है। और ये रेंज थोड़ा सा हेल्थ भाई बाकी है, अब मैं थोड़ा टॉन्ट कर रहा था। और चलो बेसिक लगा के इसको मरना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेयर जब खेलता है कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों का, सिर्फ हेवी करके 650 पहुंच जाता है भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो चलो भाई अभी मेरा ट्रॉफी हो चुका है 670। अभी आ रहा है फ्रेंडली टॉक्सिक ब्रो, ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। और एम्पायर है और बीस्ट है, इसलिए जब आप जैक बुलवर्क लेके खेल रहे हो बहुत ही सावधानी से खेलना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग। अगर अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। चलो ये मेरे को पहचान था, गेम शुरू। एक अपर ओके जंप कर रहा है, अच्छा लगा, मेरा व्यूअर्स हो सकता है या फिर सब्सक्राइबर है। मेरे को लग रहा है इसके साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ, नाम पहचाना लग रहा है। ओके गुड गेम, चलो मैंने भी गुड गेम लिखा, की फाइट लिखा। ओके गुड गेम की फाइट, चलो शुरू। लो की, बहुत बढ़िया, फिर से लो नहीं हुआ। पैटर्न देख रहा था इसका, स्पिनिंग का ने बेसिक कैंसिल, ये लोअर, अच्छा बंदा स्मार्ट है। ओके अच्छा 20 में जा चुका है ये। और ये जंप, मतलब ये बहुत अर्ली 20 में जाता है, ये मेरे को समझ में आ गया। और ओके ओके अपर, हाँ भाई बंदा स्मार्ट है। और ये नहीं हुआ, कैंसिल, स्पिनिंग, चलो ग्रैब करने का मौका। और ये शैडो, ओके ओ शिट ये नहीं हुआ भाई। ओके वो बीस्ट जो है ना भाई, इतना हेल्थ गेन हो जाता है ना बीस्ट का। ओके ओ शिट जंप भाई, मतलब मैं खेल नहीं पा रहा था। और ये स्पिनिंग कनेक्ट, ओ शिट डैमेज, फोर्टिस ऑफ द लीजियन है मेरे हाथ में, 49 25%।
और ये नहीं हुआ। मैं टाइम किल करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ भाई। 40% मेरा हेल्थ है, 22। और चलो इसके साथ गुड गेम, रियली रियली ये राउंड अच्छा था। मैं ऊपर टाइम देख रहा था, जब 10 सेकेंड हो गया ना मैं टाइम देख रहा था बीस्ट का कितना इंक्रीज हो रहा है, मेरा कितना डिक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से मैं अटैक कर रहा था। चलो राउंड टू, स्पिनिंग अपर कनेक्ट कैंसिल, ये लोअर ग्रैब फिर से अपर, ओ शिट ये किक और ये कैंसिल। ओ हो बंदर का हाथ में टाइम है, मेरे को लग रहा है बीस्ट में जाने वाला है। ओ शिट, इस टाइम में मैं बाईपास करके जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है मैं खत्म होने वाला हूँ, मैं हेल्थ बहुत कम है, कैसे अटैक करूँ बोलो इस टाइम पे। और ये 47 लीजियन करे और ये सर, ओ शिट चांस था एक, और ये कनेक्ट फिर से 47 लीजियन। शिट आपर, मैं खत्म। हाँ भाई मेरे को लग रहा है मैं खत्म। चलो ग्रैब करने का एक ही मौका, आपर थोड़ा सा हेल्थ बाकी और इसके साथ मेरा जैक बुलवार्ड खत्म। ऑयल प्लेट ब्रो, ऑयल प्लेट एक्चुअली बीस्ट ऐसा ही एक कैरेक्टर है, अगर आप सावधानी से नहीं खेलोगे, मतलब सावधानी से खेलोगे कैसे, अगर बीस्ट आपको कॉर्नर पे ले लेगा तो उसकी है भाई। स्पिनिंग फाइनल राउंड चल रहा है, शिट एक किक कनेक्ट, एक जंप ठीक है, लोअर बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा टाइम है। और ये मेरे को पता था बीच में जाने वाला है, ओ शिट क्या होगा मेरे को पता नहीं। और ये जंप किक और ये कनेक्ट, अभी थोड़ा सा और फिर से कनेक्ट, मतलब बहुत सावधानी से अभी मैं खेल रहा हूँ। और ये स्पिनिंग रेंज नहीं हुआ भाई, शिट इसका हेल्थ देखो कितने इंक्रीज हो रहा है। शिट और ये ग्रैब उसने किया, ओके और यहाँ पर और इसके साथ ये बीस्ट खत्म। ओ भाई साहब, ऑयल प्लेट ब्रदर, वेरी ऑयल प्लेट, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये जर्नी टू 700? आज का ये स्पेशल गेम प्ले है सिर्फ आप लोगों के लिए, 27 मिनट्स के ऊपर आज का गेम प्ले। अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो दिल से कमेंट कर देना, और अगर ऐसे गेम प्ले और भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। अभी मेरा ट्रॉफी हो चुका है 680। अभी जो बंदा आया इसका नाम है बैक रबर, ओके बैक रबर, और ये किंग ऑफ द लीजियन KOTL लेके आ रहा है। KOTL को देख के एक ही बात बोलूँगा मैं यहीं पे, KOTL का जो एपिक वेपन आया है ना वो तो चला गया, और एपिक वेपन मैंने नहीं लिया, नहीं ग्राइंड किया, इतना टाइम मेरे पास नहीं था। और ये जो स्टैंड है ये फाइट पास में है, मैं देख रहा हूँ हो सकता है ले सकता हूँ या फिर नहीं भी ले सकता हूँ। चलो फाइट अपर ठीक है, कैंसिल और ये लोअर, एक अपर और ये बेसिक, ये हेवी, ओके स्पिनिंग बहुत बढ़िया, लो किक, बेसिक किक किया था, मेरा शैडो बार फुल है, और ये स्पिनिंग कैंसिल करके ग्रैब, अभी ये शैडो और एक हेवी नहीं हुआ, बैक किक। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक अटैक करके खेलने का, ओके स्पिनिंग बेसिक कैंसिल, ओके उसका शैडो वार फुल है, लेकिन KOTL का अगेंस्ट में अगर खेल रहा ना तो बहुत बेनिफिट है जैक बुलवर्ड के लिए,
क्योंकि फोर्टेस ऑफ द लीजियन है, देखो क्या होगा। और इसके साथ थोड़ा सा हेल्थ बाकी इसका, और ये स्पिनिंग के साथ ये केओटीएल फर्स्ट राउंड में ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। अच्छा लग रहा है तो दिल से भाई एक ही लाइक है, लाइक बटन दबा देना। अभी राउंड टू आने वाला है, देखते ही ये क्या करता है। You may start round your prayers. चलो स्पिनिंग फास्ट। यहीं पे एक टिप्स है, दोनों राउंड डिफरेंट अटैक से स्टार्ट करना, क्योंकि ओपोनेंट भी बहुत स्मार्ट होता है, वो आपको प्रेडिक्ट करके रखेगा। ओके ओके, शैडो मोड पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। ओ शिट, कनेक्ट हो गई इसका। ओ शिट, बहुत बढ़िया खेला आप। ठीक है, मेरा शैडो वर फूल है, मैं यूज अभी नहीं करूंगा, राइट मोमेंट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और चलो ये हॉप करके ग्रैब, अभी ये शैडो एक लगाया और ये रेंज क्या, मतलब थोड़ा पीछे जाके शैडो में जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सोच लिया ऐसे ही खेलना पड़ेगा इसको। चलो एक अपर, और क्या होगा भाई, और ये नॉक और ये रेंज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, पीछे जा रहा है एक अपर, मतलब बंदा भी कॉन्फ्यूज्ड हो रहा है कैसे अटैक करके, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे जा रहा है। शैडो लेके फिर से सामने आ गया अपर, अभी फोर्टिस ऑफ द लीजियन काम में आएगा। ओके ओ शिट, पीछे जा रहा है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हेल्थ मेरा बाकी, और ये शैडो, और ये खत्म है भाई। पीछे जाके खड़ा हो के क्या होगा भाई, 10 ट्रॉफी जाएगा या फिर आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना भाई, क्या है। ठीक है भाई, फिर भी बंदा अच्छा खेला, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खेला बंदा। तो अभी मेरा ट्रॉफी हो चुका है 690। अभी जो मैच आने वाला है ये मैच ज़रूर ज़रूर देख के जाना, ये बूचर के साथ है, और मेरे पास अभी ट्रॉफी है 690। और ये बंदा का पैटर्न देख लो, खेलने का पैटर्न, इसका नाम है विक्ट्री। तो आज ये सेवेंथ मैच है और एक भी मैच मैंने नहीं हारा। चलो बूचर के अगेंस्ट में जब खेलोगे ना, शू में अटैक मत करना, देखो उसका मूवमेंट, लो अटैक, लो मतलब स्पिनिंग अटैक कर देता है बूचर, ध्यान से ये देखो शुरू में ऐसे करता। चलो ये कैंसिल, और ये स्पिनिंग, एक हेवी, एक बैक किक। ओके ओके ठीक है, ओके यहीं पे तो इसका डैमेज नहीं होगा, यहीं पे सिर्फ मेरा ही डैमेज होगा। जंप, फिर से जंप किक, फिर से जाम, और ये स्पिनिंग, बेसिक कैंसिल, और ये लोअर, ये अपर, ये पूरा कॉन्फ्यूज हो रहा है अभी। ओके ओके ओके, मेरे को पता था इसलिए मैं शैडो बचा के रखा था। ये कनेक्ट, ये हेवी डैमेज नहीं हुआ भाई, बहुत बेनिफिट है बूचर का ये इनके जो विदाउट डैमेज वाला जो टैलेंट है लेवल 5 पे। ठीक है, वाह कैसा खेल रहा है, वाह बहुत बढ़िया। ओके चलो ऊपर से गेम इज पोस्ट। तो कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताना आज का ये लॉन्ग जर्नी, जर्नी टू 700 अनकट, कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ओके और ये नहीं हुआ, और मेरे को पता था तू लोअर करने वाला है, कैंसिल, और ये ग्रैप। और अगर शैडो यूज करना चाहते हो तो वो शैडो में जाने से पहले ही यूज करो, नहीं तो डैमेज नहीं होगा उसका। ओहो, ये फोर्टिस ऑफ द लीजियन पे डैमेज हो जाता है इनकेज, मेरे को पता नहीं था, ये तो फोर्टिस ऑफ द लीजियन कनेक्ट हो गया इनकेज और केज का अंदर डैमेज हो गया। ठीक है, ऐसा बात है। अभी राउंड टू आ रहा है फाइट। ओके पीछे जा रहा है, कैंपिंग शुरू, ये मेरा स्पिनिंग कैंसिल, और ये ग्रैब। यहाँ पर बंदा पूरा कॉन्फ्यूज हो रहा है, अभी आगे पीछे चल रहा है,
ओके ये कैंसिल। चलो ग्रैब एक अपर, उसका शैडो वर्ड खुला है, ले लिया उसका शैडो, कैंसिल। ओ शिट, ठीक है ओके। और इसको पता नहीं मैं शैडो बचा के रखा हूँ अभी। चलो ये ग्रैब, एक अपर, एक रेंज, और ये शैडो कनेक्ट। थोड़ा सा हेल्थ इसका बाकी है, पीछे ही जा रहा है। जंप, ओ लोकी जंप, उसका हेल्थ भी इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा हेल्थ बाकी है, मेरे को लग रहा है खत्म होने वाला हूं मैं। कैंसिल, और ओ ओ ओ ओ, अच्छा खेला बंदा, अच्छा खेला। ओके चलो, बहुत बहुत सोच समझ के खेल रहा है बंदा। और ये देखो मेरे को इमोट कर रहा है, मेरे को बहुत फनी लगा ये इमोट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऐसा बात है तो चलो फाइनल राउंड देखते क्या होता है। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग अनकट स्टोरी ऑफ जैक बुलरॉक। चलो ये कैंसिल नहीं किया, ओके ओ ओ ये नहीं होगा, ये हॉप करके ओ ओ अभी टाइम संभल के वो खेल रहा है। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ये ग्रैब, अभी मैं वेस्ट नहीं करूंगा मेरा शैडो, ये शैडो कनेक्ट, और इसके साथ हेवी वो शैडो में जाएगा, हाँ मेरे को पता है। और ये ग्रैब, अपर, ओ ओ ओ शिट, क्या होगा भाई, मेरे को पता था वो रेंज करने वाला है। ये देखो ग्रैब नहीं हुआ यहीं पे, चलो अभी ग्रैब हुआ, ओ शिट, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा कर रहा है तू अभी, ओके नहीं होगा, चल छोटे ये ग्रैब, ये शैडो, ओ शिट, मेरा वेपन है भाई, टूट क्यों जाता है भाई, नॉक करके। चलो ये ग्रैब, एक जंप, और ये फोर्टिस ऑफ द लीजियन, दिस इज कॉल्ड टाइमिंग। कैसा लगा एंट, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना। तो देखते रहो टीटी गेमिंग, ऐसे ऐसे बैक टू बैक गेम पे देखने के, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। देखो 450 इंसिग्नियस मिल गया है, क्यों मिला है मेरे को मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और टीटी का साथ रहो।